अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास ही लगे घंटे के बटन को दबाएं, ताकि हम जब भी हमारे चैनल पर नया वीडियो अपलोड करें उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं GDS खबर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले एक आर्टिकल के बारे में। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर देख सकते हैं एक आर्टिकल दिखाया जा रहा है। इसमें आप देख सकते हैं डाक विभाग में फसल बीमा शुरू होने से डबल होगी किसानों की संख्या, 100 दिनों का रखा गया लक्ष्य। तो क्या है पूरी जानकारी हम आपको विस्तारपूर्वक बताने वाले हैं। ये एक प्रकार से ग्रामीण डाक सेवकों से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जो अधिकतर जो किसान हैं वह ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, और वहाँ जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो काम करते हैं वो ग्रामीण डाक सेवक वहाँ काम करते हैं। उनका जो काम, जो ग्रामीण डाक सेवक है उनका काम बढ़ने वाला है, इसी को लेकर ये खबर है। तो हम आपको बता दें क्या है खबर। केंद्र सरकार फसल बीमा का दायरा बढ़ाने के लिए जल्द ही डाकघरों में सुविधा शुरू करेगी। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने योजना को 100 दिन के भीतर शुरू करने का लक्ष्य रखा है। उसका कहना है कि डाकघरों में यह सुविधा उपलब्ध होने से लाभ लेने वाले किसानों की संख्या दोगुनी हो जाएगी। दरअसल प्राकृतिक आपदा या अनहोनी की स्थिति में खराब हुई फसल के नुकसान से किसानों को बचाने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की थी। अभी बैंक, CSC और ऑनलाइन जैसे माध्यम से यह बीमा किसानों को दिया जा रहा है, लेकिन इसकी पहुंच चौथाई किसानों तक ही हो सकी है। कृषि मंत्रालय से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि डाकघर के जरिए फसली बीमा पॉलिसी को बेचने से लाभार्थी किसानों की संख्या आधी से ज़्यादा पहुंच सकती हैं। उन्होंने कहा कि इस योजना को खाका वर्ष 2017 में खींचा गया था, लेकिन तकनीकी अड़चनों की वजह से इसे लागू नहीं किया जा सका। नए कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने तय किया है कि जल्द ही फसल बीमा डाकघरों के जरिए मिलेगा। 90% है डाकघरों ग्रामीण क्षेत्रों में। तो जिसकी दोस्तों हमने ऊपर बात की, वही बात हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो ग्रामीण डाक सेवक काम करते हैं उनको ये काम दिया जाएगा, क्योंकि इसमें जो 90% से ज़्यादा डाकघर ग्रामीण क्षेत्रों में है वहाँ ग्रामीण डाक सेवक काम करते हैं। अभी फसल बीमा योजना की पॉलिसी बैंक शाखाओं, बीमा कंपनियों के कार्यालय, सहकारी बैंक, कॉमन सर्विस सेंटर और ऑनलाइन पोर्टल के जरिए बेची जा रही हैं। बैंक आमतौर पर फसली बीमा की पॉलिसी उन्हीं किसानों को बेचती हैं जिन्होंने उनके यहाँ से फसली ऋण लिया है। ऐसे में अधिकतर किसान वंचित रह जाते हैं। बीमा कंपनियों के कार्यालय बेहद सीमित है, जबकि CSC के अधिकतर कार्यालय शहरी या अर्ध शहरी इलाकों में हैं। ऑनलाइन पोर्टल तक भी किसान की पहुँच नहीं है, लिहाजा उनके लिए डाकघर बेहतर साधन होगा, क्योंकि देश के करीब 1.50 लाख डाकघरों में 93% यानी 1.40 लाख ग्रामीण क्षेत्रों में है, जिसमें ग्रामीण डाक सेवक काम करते थे। तो सब देख सकते हैं जो ग्रामीण डाक सेवक का और काम बढ़ने वाला है, क्योंकि प्रधानमंत्री जो बीमा है, प्रधानमंत्री फसल बीमा है, वह अब ग्रामीण डाकघर में लाया जा रहा है। उसको उससे जो ग्रामीण इलाकों में किसान हैं उनको फ़ायदा हो सकेगा। साथ ही जो ग्रामीण डाक सेवकों का काम बढ़ने वाला है, जो सरकार ग्रामीण डाक सेवकों पर इतने जो काम का बोझ लादे जा रही है, बट उन्हें ये नहीं पता कि जो गाँव में काम करने वाले ग्रामीण डाक सेवकों की हालत क्या है, उन्हें कितना वेतन दिया जा रहा है, उन्हें जो वेतन दिया जा रहा है उनसे खर्चा चलना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। तो सरकार से निवेदन है कि एक बार ग्रामीण डाक सेवकों के जो विभागीकरण का मुद्दा हल करे, उसके बाद चाहे जितनी योजना लेके आ जाए उसको ग्रामीण डाक सेवक बेहिचक उसको अपनाने को तैयार रहेंगे। तो दोस्तों, अगर अभी तक का वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने तमाम GDS साथियों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, जय GDS।